सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 31 जनवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो गुरुग्राम हरियाणा में ये खुला है, ए आपका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। उद्देश्य, ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है, ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? जमशेद जी टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? ओला कंपनी यहाँ पर ऐसा नेटवर्क बनाएगी। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? सऊदी अरब बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्वर्ण पदक जापान ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला ओमान के मस्कट में सुल्तान काबू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया है। टॉप 3 टीमों के नाम मैं आपको बता देता हूं। जापान फर्स्ट नंबर पर रही है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण कोरिया सेकंड और भारत ने कांस्य पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। संस्करण 10वां है। आयोजन स्थल मस्कट ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद एम नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने ये लॉन्च किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस ऐप की मदद से संसद की कार्रवाई मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश के राज्य ने इसको लॉन्च किया है। शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथ ही मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार ने। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? रूस, चीन और ईरान के बीच आयोजित हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं में ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2Q22 का आयोजन हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। उद्देश्य, इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है। आयोजन स्थल ओमान की खाड़ी है। सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस सेना के बीच में आयोजित होगा? नेपाल के बीच में आयोजित होगा। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडी 2021 किसने आयोजित किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने इसको आयोजित किया है। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होगा? चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड के बीच होगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजंद 2021 आयोजित होगा? कजाकिस्तान के बीच। कोकन एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? ब्रिटेन की सेना के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के दक्षिण मौबुआंग गांव को ODF गांव खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? मिजोरम को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ODF ओपन डिफेक्शन फ्री, इसकी फुल फॉर्म है मिजोरम में आइजोल जिले के एबाक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग को एक मॉडल ODF खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। इस गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम का मुख्यमंत्री जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से संबंध रखते हैं। मिजोरम के गवर्नर हरी बाबू कम्भम पति हैं। मिजोरम के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा सुधांशु धूलिया हैं। मिजोरम के तीन पड़ोसी राज्य मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा हैं। मिजोरम के दो पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट एक है, विधानसभा सीट 40 है। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलते हैं। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? केरल में इसको लॉन्च किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट, और जानकारी के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की दो मालगाड़ियों का परिचालन किया है। इन दोनों मालगाड़ियों का क्या नाम है? त्रिशूल और गरुड़ है। भारत का पहला ई मछली बाजार फिशवाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? असम राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में बनाया जाएगा। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? टाटा स्टील ने इसको चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई है? 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। भारतवासी 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022, स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब की निवेश करेगी? गूगल इसमें निवेश करेगी, बी आपका आंसर हो जाएगा। दिग्गज टेक कंपनी गूगल और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रणनीतिक साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। गूगल ने ऐलान किया है कि वो भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? अबाइड विद मी को हटा दिया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा पारंपरिक ईसाई स्तुति गीत अबाइड विद मी को वर्ष 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुनों की सूची से हटा दिया गया है। यह धुन 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी एस्टेंट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने, डी आपका आंसर हो जाएगा। ए डिफरेंस रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक को रमेश नारायण ने लिखा है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिस्ड क्विस्ट नामक पुस्तक को बोरिया मजूमदार कुशान सरकार ने लिखा है। दी कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक को
अजिताभा बोस ने लिखा है। दी ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक को सुजाता प्रसाद विमल प्रसाद ने लिखा है। दी स्ट्रेंजर इन दी मिरर पुस्तक को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। लगातार दो जनगणनाओं के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? 10 वर्ष का अंतर होता है। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। बॉक्साइट किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का एस्क है। न्यू क्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। तपेदिक किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? 2004 में की गई थी। MRI मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। फर्मी मात्रक है लंबाई का। नेक्स्ट, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। BCG का फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेट गुएरिन है। राफेल नडाल ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब। स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीतकर अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 35 वर्षीय नडाल ने रविवार को खिताबी मुकाबले में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के दानिल मेदवेदेव को हराया। नडाल इस जीत के साथ अब सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स बनी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 15वें सीजन से पहले एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए की हो गई है। ग्रे मार्केट में ये 210-225 रुपए से प्राइस बैंड में कारोबार कर रहा है। तेजस्वी प्रकाश ने जीती बिग बॉस 15 की ट्रॉफी। 121 दिन बिग बॉस के घर में रहने के बाद आखिरकार तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तेजस्वी प्रकाश के साथ टॉप 3 में करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल रहे हैं। प्रतीक सहजपाल पहले रनर अप और करण कुंद्रा दूसरे रनर अप रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का विषय सी द चेंज मेकर रखा गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। इस आयोजन में राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला व बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के अलावा शैक्षिक संगठन, महिला उद्यमिता तथा व्यावसायिक संघ भाग लेंगे। नेक्स्ट है आपका, बसों में फायर अलार्म लगना हुआ अनिवार्य। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सेपरेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल वाहनों के इंजन वाले हिस्से से निकलने वाली आग की पहचान के लिए अलार्म और सेपरेशन सिस्टम की व्यवस्था है। वाहन उद्योग मानव 135 के अनुसार इंजन में आग लगने की स्थिति में यह सिस्टम सतर्क कर देता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि Type 3 बसों एवं स्कूल बसों के भीतर यात्रियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।